आज हम कक्षा 9वीं आईटी का इकाई नंबर 5 लेकर आए हैं, डिजिटल प्रेजेंटेशन। इसके पहले 4 इकाई तक मैं प्रोवाइड करा चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर लाइक भी कर दीजिएगा। देख लेते हैं पहला प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, इसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, क्वेश्चन के नीचे आंसर दे दिया गया, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन को देख लीजिए एक एक करके, और ठीक उनके नीचे आंसर भी मिल जाएगा। देख सकते हैं स्क्रीन पे, देख लीजिए, और आंसर ठीक नीचे दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसमें देख लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन के साथ नीचे आंसर भी दिया है। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 3, सही गलत, तो सही गलत का भी आंसर दे दिया गया है। अब स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक जो चौथा रहेगा, 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आप, क्वेश्चन क्रमांक चौथा, पांचवा, छठवा, जल्दी से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 7वां और 8वां, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक से अधिक स्लाइड को डिलीट कैसे किया जाता है, क्वेश्चन क्रमांक जो 9वां है उसका देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 11वां, 12वां, पीडीएफ फॉर्मेट में एक फाइल को कैसे सेव करेंगे, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिल्कुल फटाक से। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 13वां, इसके बाद में जो 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे उनका भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। प्रेजेंटेशन क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषता लिखिए, और देख सकते हैं एक एक करके। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक जो रहेगा आपका 15वां 14वां क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन, इसके बाद में देख सकते हैं आप 16वां क्वेश्चन, विभिन्न टूल बार का वर्णन करना है, क्या क्या टूल बार होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक जो टूल बार के बारे में दिया गया है। इसके बाद में देख सकते हैं आप 7 नंबर के प्रश्न, दीर्घ वाले टेम्पलेट का उपयोग करके प्रेजेंटेशन बनाना किस प्रकार से बनाएंगे, वो देख लीजिएगा। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन, अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड ट्रांजिशन को जोड़ने के चरण को लिखना है। इसके बाद में देख लीजिएगा क्वेश्चन क्रमांक जो 19वां रहेगा, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड सॉफ्ट शॉर्टर व्यू, सबके बारे में आपको लिखना है टिप्पणी। आप देख लीजिए एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट का प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन लेकर।